बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के दीवानों की हस्ती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं, जो कि एक कविता है। तो सबसे पहले कविता का परिचय जानेंगे। परिचय मीन्स कविता का मूल भाव। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है। संसार के सभी व्यक्तियों से वह प्रेम करता है। वे अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। हम सबको प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। वे जीवन में कभी हार जाते हैं तो उसका दोष किसी को नहीं देते हैं। कवि की यह बात इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जीवन में कभी भी हार का सामना करते हैं तो उसका दोष हमें स्वयं को देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। कविता का आदर्श गायन और भावार्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो इसका संदर्भ और प्रसंग देखिए। पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए बताया है कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिकते और जहाँ भी जाते हैं लोगों में उल्लास और उत्साह भर देते हैं। मतलब कि लोगों में देशभक्ति की भावना भर देते हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। ये आज़ादी के दीवाने हैं। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है। लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से ये सारे देश में घूमते रहते हैं। ये जिस भी दिशा में जाते हैं, वहीं इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं। जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं। वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका भावार्थ समझना है। अगला पद्यांश देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संदर्भ पूरी कविता का एक ही रहता है। तो देखिए, संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं।
इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। इन दीवानों के लिए सुख और दुख समान हैं, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को भी ये संदेश देना चाहता है कि हमें सुख और दुख के समय में एक समान रहना चाहिए और धीरज और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इनके इसका भावार्थ देखो, दीवाने कहते हैं कि उनसे उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए चल दिए हैं। वे कहते हैं कि इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वे अपने देशवासियों से सुख दुख में साझीदार बनते हैं, वे उनके साथ हंसते और रोते हैं, परंतु उनके लिए सुख दुख समान हैं, वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम बंधन अपने तोड़ चले। संदर्भ और प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि ने दुनिया की स्वार्थी प्रवृत्ति और दीवानों के सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। भावार्थ देखिए, देश के लिए दीवाने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते, ये लोग भिखमंगों के समान हैं। उन्होंने इन लोगों को देशभक्ति की भावना सिखाई है कि देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन सेनानियों को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है कि निरंतर प्रयास करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए हैं, और अपनी असफलता के इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता है। वे यही चाहते हैं कि वे रहें ना रहें, किंतु इस देश में रहने वाले सदा प्रसन्न भाव से रहें। हमने तो अपने जीवन के लक्ष्य स्वयं निश्चित किए थे, अब हम स्वयं ही अपने बंधन रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर ये कविता याद करनी है और इसका भावार्थ समझना है। अब देखिए, इसमें आए हुए शब्दार्थ, हस्ती मीन्स सामर्थ्य, अपनी हैसियत, आलम मीन्स संसार, स्वच्छंद मीन्स स्वतंत्रता आज़ादी, बंधन मीन्स बेड़ियाँ, उर मीन्स हृदय, दीवाने मीन्स मस्ती भरा जीवन जीने वाले, भिखमंगे मीन्स भीख मांगने वाले, जग मीन्स दुनिया या संसार, धूल उड़ाते मीन्स खुशी मनाते, उल्लास मीन्स प्रसन्नता, आबाद मीन्स बसना, असफलता मीन्स नाकामयाबी, छककर मतलब जी भरकर। तो आपको इन शब्दार्थों को याद करना है।
अब आगे देखिए, अभ्यास प्रश्न। प्रस्तुत कविता में कविता और कवि का नाम लिखिए। तो आंसर है, कविता है दीवानों की हस्ती और कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ने पर उनके बंधु बांधव दीवानों से क्या चाहते हैं? तो आंसर है, आगे की ओर बढ़ने पर उनके बंधु बांधव दीवानों से कहते हैं कि वे अभी तो आए थे और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चल दिए, मतलब कुछ दिन और हमारे साथ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने भिखमंगों की दुनिया किसे कहा है? आंसर है, कवि ने निजी स्वार्थ के लिए देश से निरंतर सुविधाएं चाहने वाले देशवासियों को भिखमंगों की दुनिया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख में दीवानों की स्थिति कैसी होती है? तो आंसर है, दीवानों के लिए क्या सुख और क्या दुख, वे इन दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं। वे सुख में ना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और दुख में ना ज़्यादा दुखी, हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब देखिए अन्य प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो आंसर देखिए, कवि और उनके साथी देश प्रेमी हसमुख प्रवृत्ति के हैं। जहां भी जाते हैं लोगों को खुश करते हैं, परंतु वे लोगों को स्थायी प्रसन्नता नहीं दे पाते। कवि इसे अपनी असफलता मानकर दुखी हैं, इसीलिए कवि ने उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आंसर है, कविता में ऐसी अनेक बातें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कविता में मस्त एवं बेफिक्र जीवन जीते हुए भी दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, उल्लास पूर्वक जीवन बिताने की शिक्षा मिलती है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही है, इससे समानता, एकता, प्रेम और सद्भाव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो आंसर है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि द्वारा अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उसमें खुशियां बांटता रहा, परंतु ये खुशियां थोड़े समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल और स्थायी खुशी देना चाहता था, किंतु अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का भार मानता है, तो इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक याद करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।